हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पीछे का पल्ला इस प्रकार से रेडी करके रखा हुआ है पहले से। और देखिए, अगर आप मेरी स्टिचिंग की वीडियो देखते हैं तो इस प्रकार से देखिए, नॉर्मली मैंने जिस प्रकार से हम हमेशा पीछे का पल्ला रेडी करते हैं उसी प्रकार से इसको रेडी करके रखा हुआ है। तो देखिए, जिनको भी कटोरी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते वक्त कई सारी परेशानी आती है, जैसे कि कटोरी ठीक से बैठती नहीं है, छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसका क्या कारण होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने साइड वाले पार्ट को पहले से रेडी करके रखा हुआ है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच करके रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट को देखिए इस तरह से अटैच कर लेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो देखिए, हमारे जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ब्लाउज बनाने में बहुत सारी परेशानी आती है, खास करके तो कटोरी ब्लाउज में बहुत सारी परेशानी आती है। हमने भी जब स्टिचिंग सीखी थी, हम भी नए नए थे तो हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो आपका जो हाथ जो है ना, जो अच्छे से बैठ जाएगा, तो आप अच्छे से परफेक्ट तरीके से सिलाई करना सीख जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखिए, कटोरी वाले पार्ट में हमने इस प्रकार से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर चेस्ट का साइज है 40 इंच, ठीक है। तो 40 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे टक्स की चौड़ाई रखनी है। तो सभी साइज में हमें एक जैसे टक्स की चौड़ाई नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको साइज के अनुसार ही इसमें टक्स की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच चौड़ाई रखूँगी नीचे की तरफ, और लंबाई में यहाँ पर रखूँगी करीब 1.75 इंच। 3 इंच भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1.75 इंच ही रखी है। तो इसमें हम इस तरह से देखिए डबल सिलाई लगाएंगे। और देखिए, टक्स में जब आप सिलाई लगाएंगे तो एकदम सीधा नहीं लगाना है, थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसमें सिलाई लगाना है। क्योंकि देखिए, सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे तो उसमें नोक बनेगा, बहुत ज़्यादा नोक बन जाता है, और किसी किसी कस्टमर को ये पसंद नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कर्व शेप में लगाना है इस सिलाई को। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपने चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने देखिए कटोरी में नोक ना बने इसलिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए दोनों कटोरी में हमने टक्स लगा दिया है, इस प्रकार से दोनों कटोरियां हमने रेडी कर ली है। अब देखिए, जितना आपका कटोरी की चौड़ाई है उतना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट का साइज है 40 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच कटोरी की चौड़ाई रखी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने मार्जिन छोड़ा है आधा आधा इंच का, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के जो है आपका इस तरह से बराबर परफेक्ट मेजरमेंट आना चाहिए कटोरी का। तो दोनों कटोरी में हमारा ये सेम है। तो इसी प्रकार से आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है पार्ट के साथ अटैच करने से पहले, आपका जो भी चेस्ट साइज है उसी के अनुसार, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, कटोरी जब भी आप साइड पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से देखिए बॉटम से इस तरह से कटोरी रख के चेक कर लेना है कि आपकी कटोरी यहाँ पे बड़ी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कटोरी यहाँ पर एकदम परफेक्ट फिट बैठ रही है। अगर यहाँ पर आपकी कटोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है, तो आपको उसको कम करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नोक है ये कटोरी का बाहर की तरफ निकल रहा है, और यहाँ पर ये लगभग आधा इंच बाहर की तरफ जब निकलता है नोक, तब भी हमारी जो कटोरी है एकदम परफेक्ट फिट बैठ जाती है। तो देखिए, साइड पार्ट के साथ जब भी आप कटोरी को अटैच करेंगे तो नीचे से आपको कटोरी अटैच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर से कटोरी अटैच नहीं करेंगे। अब दूसरा वाला साइड पार्ट लेंगे और कटोरी लेंगे, और इसको भी देखिए इस प्रकार से अटैच करेंगे। और देखिए, जब भी आप ब्लाउज के कोई भी पार्ट्स अटैच करते हैं तो आपका जो सिलाई मार्जिन है वो एक जैसा रहना चाहिए, कहीं पर भी आपको कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कम ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखेंगे तो वहाँ पर आपकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सिलाई मार्जिन जो है वो एक जैसा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी साइड वाले पार्ट के साथ कटोरी अटैच हो गई है अच्छे से। और अगर देखिए, अगर आपकी कटोरी यहाँ पर साइड वाले पार्ट से बड़ी हो रही है तो आप नीचे से इस तरह से यहाँ से कट कर सकते हैं तिरछे में, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत अगर बड़ी हो जाती है तो नीचे से ही कट करेंगे, ठीक है। ऊपर से आपको कट नहीं करना है, गले की तरफ से बिल्कुल बॉटम से ही आपको कटोरी को कट कर लेना है साइड से, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको इसके पहले कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, कटोरी ब्लाउज की सिलाई के वीडियो में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो देखिए, इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स में कटोरी को अटैच कर लिया।
इस प्रकार से। और देखिए कटोरी अटैच करने के बाद इस प्रकार से नाखून से क्रीच करना ना भूलिएगा, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पीछे का पल्ला लेना है और देखिए इस प्रकार से इसको रखना है। तो इस प्रकार से देखिए शोल्डर्स को मिलाते हुए रखना है और चेस्ट का जो हमारा मार्किंग है जहाँ पर हमने कट्स लगाए हुए हैं, तो देखिए ये दोनों कट्स जो है बिल्कुल आमने सामने रखना है इस प्रकार से। और नीचे की तरफ हमें देखना है कि जो हमारे बेल्ट की चौड़ाई है वो बराबर इसमें आ रही कि नहीं। ठीक है, तो ऊपर देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ सरका के रखना है टेप को, और यहाँ पर हमारे जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, तो यहाँ पर ये 2.75 इंच आ रहा है। तो आपको मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर जो सामने का पल्ला है थोड़ा सा 2 पॉइंट कम ही रखती हूँ पीछे के पल्ले से। तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा इसको इस तरह से साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है। तो देखिए इस प्रकार से इसको कट कर लेना है। अगर देखिए इसको हम कट नहीं करते तो हमारा ये सामने की तरफ 2 पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया। तो आपको भी इस तरह से एक बार जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दोनों पार्ट्स ऊपर के ये रेडी हो गए। इसमें हम अभी बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट को हमें रेडी कर लेना है सबसे पहले। तो इस प्रकार से देखिए मेन फैब्रिक को रखेंगे आमने सामने और उसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे, और नीचे से देखिए बॉटम से आधा इंच की दूरी से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों बेल्ट्स में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने बेल्ट में सिलाई लगा दी और इसको पलट के ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगा दी है इस प्रकार से। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और इसके बॉटम पे एक और सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए इसको पलटेंगे और दोनों मेन फैब्रिक और असर वाले पार्ट को अटैच करते हुए इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कट कर लेना है इस तरह से। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा बेल्ट भी रेडी कर लेना है। तो दोनों बेल्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो देखिए बेल्ट में भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए अटैच करने से पहले आपकी जो चौड़ाई है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2.5 इंच चौड़ाई है बेल्ट की, तो ये बराबर आ रही है और आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन का। ठीक है, तो इस प्रकार से बेल्ट में भी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर बिना चेक करे आप बेल्ट अटैच कर लेंगे तो आपका हो सकता है सामने का पल्ला छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए इस प्रकार से हमारा जो कटोरी का पॉइंट है वहाँ पर हमें टेप को रखना है इस प्रकार से, और यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो चेस्ट का 10वां हिस्सा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 इंच आ रहा है चेस्ट का 10वां हिस्सा, और आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन का, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको छाट देंगे। तो देखिए इस प्रकार से दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के रखेंगे और इसको यहाँ से छाट देंगे। देखिए कटिंग करते वक्त थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए इसको इस तरह से छाट देंगे, और देखिए पूरा नीचे तक नहीं छाटना है हमें, हमारी जो कटोरी की चौड़ाई है नीचे से कम नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कम ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए जब हम यहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी अटैच करेंगे तो ये बराबर सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे, और देखिए ये जो टक्स है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ, या फिर आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाई, और इसके बाद यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है, तो इसको सीधा करके नाखून से इसके ऊपर से क्रिच कर लेंगे सिलाई के ऊपर से। तो दूसरी तरफ भी देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट अटैच कर लिया, तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो पट्टी यहाँ पर बेल्ट की दिख रही है इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स में हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हुकाई पट्टी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है हुकाई पट्टी के लिए, और इसको सीधी साइड के ऊपर रखते हुए इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ये देखिए आधा इंच आगे की तरफ सरका के रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, देखिए जहाँ पर आपका जो फिटिंग का निशान लगा है वहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे, और आपका यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बराबर 10 इंच आ रहा है और आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है सिलाई मार्जिन का, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जब हुक पट्टी अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका भी आपको भी एक बार जरूर चेक कर लेना है कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए यही भी सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है फिटिंग में। यहाँ पर बहुत से लोग चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट हुक पट्टी
पट्टी आई पट्टी अटैच कर लेते हैं और इसके वजह से जो है आपका फिटिंग भी अच्छे से नहीं आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हुक पट्टी को अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने हुक पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट में आई पट्टी अटैच करेंगे। तो आई पट्टी के लिए देखिए हमारे पास कपड़ा बचा नहीं था, तो मैंने देखिए जो गले की कटिंग की है पीछे वाले पल्ले में, तो उसी में से जो ये कपड़ा निकला है उसी को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आई पट्टी के लिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। तो आपके पास भी अगर कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह से अगर डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इस प्रकार से आप कपड़े को यूज कर सकते हैं आई पट्टी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बड़े साइज़ का जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा बचता नहीं है, तो इस प्रकार से आप कपड़े को यूज कर सकते हैं आई पट्टी के लिए, ठीक है। इस प्रकार से देखिए मैंने पट्टी को उल्टी साइड रखा नीचे फोल्ड करते हुए और आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से मैंने सिलाई लगाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा दो पॉइंट अंदर की तरफ सरकाते हुए रखा है पट्टी को, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है कम है, ढाई इंच चौड़ाई चाहिए हमें पट्टी की कम से कम। तो देखिए यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई है बहुत ही कम है, ढाई इंच भी नहीं है, तो इस प्रकार से मैंने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ सरकाते हुए रखा है, ठीक है। अब पट्टी को इस तरह से देखिए सीधी साइड पलटेंगे, मार्जिंग वाला जो हिस्सा है उसको अंदर की तरफ करते हुए हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी आई पट्टी हमें लगा लेनी है। अब इसी के थोड़ी दूरी से हमें एक सिलाई और लगा लेनी है इस प्रकार से। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट्स में आई पट्टी और हुक पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। दोनों पार्ट्स रेडी हो जाने के बाद इस प्रकार से देखिए आपको इस तरह से रखना है, हुक और आई पट्टी को इस तरह से मिला के रखना है और गले की तरफ आपको देखना है कि ये छोटा बड़ा तो नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो भी जाता है तो उसको आपको बराबर कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और इसके सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे आगे वाले लेगी, और इस तरह से देखिए दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए रखेंगे। और देखिए शोल्डर्स में जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गले की तरफ आपकी शोल्डर्स बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो साइड है ये गले की साइड है, तो यहाँ पर हमारे जो शोल्डर से बराबर रहने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। देखिए जहाँ पर हम स्लीव अटैच करते हैं वहाँ पर आपके शोल्डर्स कम ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आप एक्स्ट्रा जो होता है उसको कट कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ आप कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका इस तरफ एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो इससे आपको ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए शोल्डर्स हमारे यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें पाइपिंग करेंगे। अब देखिए पाइपिंग करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए जो धागे एक्स्ट्रा होंगे उसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग करने के लिए मैंने इस तरह से डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी ली है, उरेब में कटिंग की है मैंने इसकी। तो इस तरह से उरेब में पट्टी काट लेनी है और इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए देखिए इस प्रकार से रखेंगे। और देखिए आधा इंच में एक पॉइंट कम इतना मार्जिन आपको लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको पूरा पाइपिंग बना के नहीं दिखाऊँगी। देखिए गले में पाइपिंग कैसे बनाते हैं परफेक्ट तरीके से, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उस वीडियो पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो को देख के आप परफेक्ट तरीके से पाइपिंग बनाना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर पट्टी को गले के ऊपर यहाँ पर अटैच कर लिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसकी पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले में पाइपिंग कर ली है। तो इस प्रकार से आपको भी अच्छा सा पतला सा पाइपिंग बना लेना है गले में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी पाइपिंग पूरी हो गई है। अब देखिए इसके बाद आती है हमारी ब्लाउज फिटिंग की बारी। तो देखिए ब्लाउज फिटिंग हम ब्लाउज में आस्तीन लगाने के बाद करते हैं, ठीक है। तो आस्तीन लगाने से पहले आपको इस तरह से बराबर दोनों साइड आपको बराबर कर लेना होता है। तो ब्लाउज फिटिंग कैसे करते हैं इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे चैनल पर नहीं देखा है आपने, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर आप विजिट करके वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया हुआ है कि ब्लाउज फिटिंग कैसे करते हैं पूरे ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से, तो उसमें आप डिटेल में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।